कोई कोई बच्चे मुंह घूमते हैं ना आंटी, तो निकल जाता है, खुल जाता है। और कोई कोई डॉक्टर तो इतने अच्छे हैं, उनको आइडिया रहता है कि ज्यादा जकड़न नहीं रहती नाल का ना, तो फिर वो नॉर्मल डिलीवरी ही कराते हैं। वो डिपेंड रहना चाहिए कि डॉक्टर कैसा है। अगर एक्सपीरियंस वाले मिल गए तो वो तो कॉर्ड एक रहा तो भी नॉर्मल करवा। हाँ आंटी, एक बार लपेटा हुआ है देखो ना, सिंगल लुक लूज है, पर उन्होंने दिखाया कि सिंगल लूज लूप कॉर्ड ऑफ अराउंड द नेक, बच्चे के नेक में, पर वो लूज है, टाइट नहीं है। ठीक है, टाइट वाइट रहता तो भाई 8वें 9वें में ही ऑपरेशन करके भी बच्चा निकालना पड़ता है। पर ठीक है, कोई इशू नहीं है। टहलती हो कि नहीं खाना वाना खा के? हाँ ठीक, अब थोड़ा सा टहला वेला भी करो। ठीक है, और पानी 3 लीटर ही पियो ना, ज्यादा ना कम। शायद ज्यादा भी जाता होगा भाई, बोल नहीं सकते ना अभी, उनको पता नहीं तो। पर वो फ्लूइड से ये लिक्विड का इतना ये नहीं होता है, वो तो जिसमें अच्छा है कि बच्चा मूव करेगा तो अच्छा है कि वो निकल जाए उसका कॉर्ड भी। ठीक है, ले लीजिए, ये खाली पेट है खाने के बाद, 3 दिन ले लो, फिर भी तकलीफ रहेगा तो आके मिल लेना। और जो कैल्शियम आयरन चल रहा है कुछ नहीं अभी तो? हाँ क्यों, पूरा 9वें तक रहेगा भाई, बच्चे का ग्रोथ डेवलपमेंट कैसे होगा? अब कर दो, दल दे दो। 1 किलो 600 ग्राम बच्चू है अभी, 8वां लग गया है, 8वें का 15 दिन बीत गया है। अभी आप लोग के हिसाब से भी 8वां पूरा हो जाएगा ना, 8 तारीख को 9वां लग जाएगा, 1 महीने में कितना बढ़ जाएगा बच्चा बेचारा। अभी 1.5 किलो ही है, खून पानी लेके देखा जाए तो कम भी किया था तो समझो 1.5 किलो से भी कम ही है। कैल्शियम आयरन दे देती हो, खाओ तुम, ठीक है, वहां से मिलेगा सरकारी से तो भी ले लेने का। वो ज्यादा ही हार्ड होता है, उससे कुछ ज्यादा परेशानी होती है? नहीं, वो लोग तो और नॉर्मल देते हैं। अच्छा।